नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीन सौदागर के साथ हम मौजूद हैं रीवा के सिविल लाइन में। इस समय यहां पर निश्चित रूप से जैसा कि आप सड़कों पर देख रहे होंगे, पैदल आने जाने वालों का काफी तांता लगा रहता है। ये रोड टहलने वालों के लिए सबसे रीवा शहर की सबसे आदर्श रोड है। यहाँ पर पुलिस ने एक बैरिकेड्स लगा रखा है, वो ये चाहती है यहाँ पर केवल और केवल जो लोग पैदल जाते हैं, यातायात के नियमों का यहाँ पर पालन किया जाए, उन लोगों को रोका जाता है जो बगैर उसके मास्क के रहते हैं। मैं आपको बताऊं, हेलमेट लगाने के लिए यातायात पुलिस बात करती है। मैं आप देख ही रहे होंगे, हेलमेट यानी एच का मतलब होता है हेड मतलब सर, ई ईयर माने कान, एल लिप्स माने ओर, एम माउथ माने मुंह, ई आई माने आंख, टी टिप दांत। ये सारी चीजें सीधा सा मतलब है, आपका शरीर आपको अपने शरीर के खास तौर से वो हेड के देखभाल के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। हेलमेट से मौत की तादाद जो एक्सीडेंट में हो जाती है वो काफी कम हो जाती है। हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद है प्रमोद कुमार पांडे जी, जो कि काफी सोशल हैं, लगातार लोगों को समझाइश देते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर लोग मास्क लगा के रखें, जो टू व्हीलर या से आते हैं वो हेलमेट लगाए। प्रमोद जी, पहले तो ये बताइए, यहाँ पर आप जिस तरीके से बैरिकेड्स लगा रहे हैं, किस तरीके की लोगों को समझाइश दे रहे हैं? मैं क्योंकि कोरोना महामारी के लिए काफी संकट है, मैं सभी को मास्क लगाने की प्रेरणा देता हूँ। मास्क यदि लगाएंगे तो, क्योंकि इसमें कोई वैक्सीन अभी नहीं बनी है, मास्क ही ये आपकी दवाई सबसे महत्वपूर्ण है, कोरोना अपने आप नहीं आएगा। मास्क जो है, मैं बीच में आपको रोकूंगा, मास्क जो है कोरोना की दवाई नहीं बनी, मास्क ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पिछले 6 महीने से आप लोग कह रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने कभी लोगों की आरती की, कभी लोगों पर डंडे चलाए। कहने का मतलब है कि आपने वो सारे काम कर लिए जिसकी वजह से लोगों को मास्क लगाना चाहिए था और इसको रोका जा सकता था, लेकिन अब रीवा शहर में ये आंकड़ा 2000 के आसपास आ रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? क्योंकि इसमें हम लोग समझाते भी हैं, इसके बाद यदि उनको लगता है कि आप कहते हैं कुछ नहीं है, तो इसके बाद हम लोग रसीद भी काटते हैं। मेरा ये है, नहीं है किसी को तंग करना, परेशान करना, मगर उनको इस बात पर अनुभव हो कि हम गलत किए हैं, मास्क लगाएं। क्योंकि मैं मास्क भी वितरण करवाता हूँ और सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए, क्योंकि यहाँ वॉकिंग जोन है, ये देखिए बच्चे आ रहे हैं, ये जो वॉकिंग जोन सभी लगाए हुए हैं। तो मेरा ये है कि एक वॉकिंग जोन में दूरियां बनाओ बेटा। मैं पहले भी आपको बताया, दूरियां बनाओ। ये सब जो बुजुर्ग लोग हमारे आ रहे हैं, अन्य सभी आ रहे हैं, मैं सभी को बोला कि आप बिना मास्क के प्रतिरोध हम नहीं, मास्क जरूरी है, घूमने आए मास्क लगाएं। चलिए, ये तो हुई मास्क की बात। आज एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम है इस समय कोरोना महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है, भारत में ये आंकड़ा 70 लाख के पास पहुंच गया है। 70 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उसमें से लगभग 60 लाख लोग ठीक भी हो गए हैं। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए, खासतौर से रीवा की बात की जाए, तो रीवा में आज ये आंकड़ा 2000 को छुड़ा। 2000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन रीवा में पहला कोरोना पेशेंट आया था, हालांकि वो रीवा का नहीं था, इंदौर का था, उसको रीवा लाया गया था, रीवा की सारी दुकानें, यहां तक कि दवाई की दुकान भी बंद कर दी गई थी कि हम एक भी कोरोना पेशेंट यहां नहीं चाहते, लेकिन लोगों की लापरवाही ये बताने के लिए पर्याप्त है कि रीवा में इस समय 2000 कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, लेकिन उसमें से काफी लोग ठीक हो गए। सबसे अच्छी बात है, पिछले कई दिनों से रीवा शहर में एक भी मौत कोरोना को लेकर नहीं हुई है। ये खबर एक अपने आप में थोड़ा सा सुखद एहसास कराती है, लेकिन 2000 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।